हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ स्केलर एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर एडिशन। आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो ये है कि जब भी कभी हमें स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना होता है तो उसका एडिशन, और वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम ऐड करते हैं तो उसका एडिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि स्केलर क्वांटिटी का एडिशन हम किस तरीके से करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का एडिशन जो होता है वो होता है बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। मतलब हम सिर्फ अलजेब्रा का सिंपल सा जो एडिशन का रूल है वो फॉलो करते हैं और स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। तो सपोज हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटी है, एक है ए और दूसरी है बी। तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड की न्यूमेरल वैल्यू जो होती है, सपोज वो ए और बी है, तो इनको अगर मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपल ए को बी में ऐड कर दूंगा, और ये जो एडिशन का जो रिजल्ट होगा उसी वही मेरा होगा फाइनल आंसर, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक है आपकी ए और बी। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करना है तो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन जो है सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से नहीं होता, उसके लिए हमें बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ता है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का सार ये है कि इसमें आपको रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर जो थीटा है, ये थीटा उन दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल है। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आइए जो हमने कहा है इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का एडिशन कैसे होता है। तो यहाँ मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने जो डायरेक्शन लिया है वो ईस्ट है, तो इधर है वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये है साउथ डायरेक्शन। तो मान लीजिए सपोज कोई व्हीकल है जो ओरिजिन मतलब एक मीटर वाई एक्सिस का पॉइंट, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। तो सपोज कोई व्हीकल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, और वो चलते चलते ईस्ट की डायरेक्शन में कितने मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो है 4 मीटर का डिस्टेंस। ये 4 मीटर का डिस्टेंस उसने ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया। अब मान लीजिए 4 मीटर के बाद वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 3 मीटर का। सपोज वो डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का, तो मान लीजिए ये उसका नॉर्थ की डायरेक्शन में 3 मीटर का डिस्टेंस है। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो 4 मीटर है ये उसका डिस्टेंस ए हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन में, और ये 3 मीटर का डिस्टेंस उसका बी हो गया जो कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछूं कि इसने ओरिजिन से लेकर के अपने फाइनल पॉइंट इसका कहां पर है, मान लीजिए ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो यहां फाइनल पॉइंट तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस डिस्टेंस को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सपोज मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 4 मीटर, और B का जो मैग्नीट्यूड वो कितना है 3 मीटर। तो आप देखें इस फॉर्मूले से जो आंसर आता है वो कितना आता है 7 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इस बंदे ने अपने ओरिजिन वाले पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है 7 मीटर की। और ऐसे ही हम यूजुअली डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं और अपने रिजल्ट निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रा। दो क्वांटिटी की न्यूमेरल वैल्यू को सीधा जोड़ करके हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये तो हुआ हमारा स्केलर का एडिशन। अब आइए इसी एग्जांपल को हम वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट करके समझते हैं। तो सपोज इसी व्हीकल ने अब ईस्ट की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है सेम 4 मीटर का, ये हो गया इसका ईस्ट की डायरेक्शन में 4 मीटर का डिस्टेंस, इसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है 4 मीटर ईस्ट में। अब ये व्हीकल 4 मीटर की डिस्टेंस के बाद फिर से ये 3 मीटर की डिस्टेंस नॉर्थ की डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो ये हो गया इसका नॉर्थ की डायरेक्शन का 3 मीटर का डिस्टेंस, इसको मैं वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि इस व्हीकल ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक
कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जब भी हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पर निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ओरिजिन के पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका ओरिजिन का पॉइंट और ये हुआ आपका फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये जो रेड कलर की लाइन है यही लाइन आपका रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट वेक्टर को, और इसका जो एडिशन, इसका जो आंसर होता है वो आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के एडिशन के बराबर। तो अब हम यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन करते हैं तो आंसर कितना आता है। तो हम यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 4 मीटर, तो ये लिया मैंने 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into a, a की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, b है 3 मीटर, और cos आपका है थीटा। तो थीटा का मतलब होता है कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। तो वेक्टर a और वेक्टर b का बीच का एंगल कितना है, तो हमें ये एंगल कैसे निकालना पड़ता है, हमें टेल से टेल को जोड़ करके निकालना पड़ता है। तो a वेक्टर को अगर मैं थोड़ा सा आगे खींच दूं तो ये a वेक्टर की टेल हो गई, ये b वेक्टर की टेल हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। तो मैं यहां cos थीटा की वैल्यू क्या ले सकता हूं, इसी थीटा को मैं लूंगा 90 डिग्री और यहां लिखूंगा cos 90 डिग्री। और आप देखें कि अगर आप इसको सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4, 3, 12, 24 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अल्टीमेटली पूरा तीसरी डिजिट का जो कैलकुलेशन है 0 हो जाता है। अब आप सिंपली यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर दें, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो वो आता है आपका 5 मीटर। इसका मतलब यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 मीटर। अब आप देखें कि वेक्टर क्वांटिटी को जब मैं ऐड कर रहा हूं, 4 मीटर और 3 मीटर को जब मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 मीटर, जबकि हमने स्केलर को ऐड किया था तो रिजल्ट कितना आया था 7 मीटर। तो आपको यहां पर आश्चर्य हो रहा होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पर आंसर 5 मीटर क्यों आ रहा है। तो आप यहां पर एक चीज सीख लें कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसके एडिशन में थीटा का बहुत रोल होता है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का जो एंगल है वो एंगल भी वेक्टर एडिशन में इंक्लूड होता है, और जब एंगल इंक्लूड हो जाता है तो उससे जो आंसर है वो वेक्टर एडिशन की वैल्यू को चेंज कर देता है। तो यहां पर दो वेक्टर के बीच में एंगल का रोल था, इसीलिए रिजल्टेंट का हमारा आंसर कितना आया 5 मीटर। तो इस तरीके से यहां पर एक चीज हमें समझने को मिली कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो स्केलर के जैसा नहीं होता, वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और वेक्टर एडिशन में ये फॉर्मूला हमें हमेशा इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी के एडिशन में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल अल्जेब्रिक एडिशन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का हम कर लेते हैं। तो आई होप आपको इस कंसेप्ट से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।